नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। आप सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। और आज गुरु पूर्णिमा है और आपको बताना चाहता हूं यहां पर बड़ा अपडेट। वो गुरु जो 14 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अभी भी उनको 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है, लेकिन निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए तैयार, खुद का भविष्य अंधकार में। और यहां पर आप देख सकते हैं 300 छात्राओं के लिए एक शिक्षक निःशुल्क पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक। आदिम जाति कल्याण विभाग 11 अतिथि शिक्षक का पिछले सत्र का 5 माह का वेतन भी बाकी। भर्ती के आदेश का इंतजार, अभी भर्ती का आदेश जारी नहीं हुआ है और जुलाई का महीना समाप्त होने वाला है और अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में भी कम से कम 1 सप्ताह लग जाता है। आप सभी कैसे होंगे मित्रों, ठीक होंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा अपडेट है अतिथि शिक्षकों के लिए। समस्त अतिथि शिक्षक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या शिक्षा परिसर संदलपुर खलवा में 300 छात्राएं दर्ज हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए मात्र एक नियमित शिक्षक पदस्थ है। यह शिक्षक भी प्राथमिक वर्ग के हैं। इससे समझा जा सकता है कि कैसी पढ़ाई हो रही होगी। छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए गत वर्ष सेवा देने वाले 11 अतिथि शिक्षक फिलहाल निःशुल्क पढ़ाई करा रहे हैं। हालांकि इन अतिथियों को पिछले सत्र का 5 माह का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। अतिथियों को इस सत्र में भर्ती का आदेश का इंतजार है। अतिथि शिक्षक मनोज जायसवाल ने बताया, शासन द्वारा अभी तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। स्कूल कक्षा 6 से 12 तक के 300 छात्राओं को पढ़ाने के लिए एक ही नियमित शिक्षक है, वह भी वर्ग 3 का प्राथमिक शिक्षक है। छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो और जब तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं होती तब तक हम सभी छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाएंगे। पिछले सत्र में अतिथि शिक्षकों की भर्ती 8 अगस्त को की गई थी, इस कारण छात्राओं की पढ़ाई पिछड़ गई थी और बोर्ड परीक्षा का परिणाम संतोषजनक नहीं रहा था। इसलिए सभी अतिथि शिक्षकों ने यह निर्णय लिया है कि जब तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं होती हम निःशुल्क पढ़ाई करवाएंगे और प्रयास करेंगे कि इस सत्र में परीक्षा परिणाम 100% रहे। स्कूल में 11 अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं, वो अतिथि शिक्षक जिनका 5 माह से मानदेय ना मिला हो वो भी निःशुल्क सेवा दोस्तों लगातार आप समझ सकते हैं। और अतिथि शिक्षकों की मांग है कि विभागीय परीक्षा लेकर हमको नियमित किया जाए। भाइयों, फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।